अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन हॉट शॉट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1 पाव जितना बोनलेस चिकन लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा सिरका, और अब मैं इसमें 1-1 टेबल स्पून डालूंगी सोया सॉस और चिली सॉस। एक टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नमक जाएगा हंसपे जाएगा, और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो ओवरनाइट या 1 घंटा भी रख सकते हैं। यहाँ एक दूसरी प्याली में मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब मैं इसमें डालूँगी नमक हंसपे जायका और काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, और मैं ये सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो भले कुछ भी ऐड ना करें। एक प्याली मैंने पानी की ली हुई है चिकन को डिप करने के लिए। चिकन मैरिनेट हो चुका है तो अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले मैदे में कोट कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको 2 से 3 सेकेंड के लिए पानी में डिप करूँगी। और इसी तरह मैं इस कोटिंग को 3 से 4 बार रिपीट करूँगी। यहाँ मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ, और फिर इसी तरह मैं बाकियों को भी कोट कर दूंगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये सारे बना लिए हैं, और अब मैं बस इनको फ्राई करूंगी। और आप चाहें तो इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ, और मैं इनको इतने ऑयल में, ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई नहीं कर रही, और अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कम ही ऑयल में पका रही हूँ। ऑयल में इनको डालने के बाद चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना, और 3 से 4 मिनट बाद इसकी साइड्स चेंज कर लें, और इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। लो से आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा मीडियम या हाई नहीं कीजिएगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैं बस इनको निकाल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।